और वही चतरा से एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां तंडुआ के धनगुड़ में दो युवक का अपहरण और हनी ट्रैप कर हत्या का मामले का नया खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि गांव के ही बेटी के प्रेमी का को रास्ते से हटाने के लिए पिता ने इस पूरी साजिश को रचा था। आपको बता दें कि रिटायर्ड डीएसपी का बेटा और बहू पूरा का पूरा खेल का मास्टरमाइंड निकले। आपको बता दें कि रिटायर्ड डीएसपी के बहू ने हनी ट्रैप कर फंसाया और पुत्र ने हत्या की। ये बहुत बड़ा मामला इस वक्त का चतरा से आपको बता दें, जहां डीएसपी के पुत्र और बहू का पूरा खेल देखने को मिला है। इस पे विकास पांडे ने कहा कि रिटायर्ड डीएसपी के पुत्र आपराधिक घटनाओं में पहले भी शामिल रह चुके हैं। हजारीबाग के एक डॉक्टर की हत्या, डकैती कांड और बलात्कार के मामले में वो पहले भी आरोपी रह चुके हैं। अब सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार पहले अगर उनका नाम डकैती कांड जैसे बड़ी घटनाओं में, डॉक्टर की हत्या में अगर शामिल था तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई, और कार्रवाई नहीं की गई तो अब सवाल जो है लॉ एंड ऑर्डर पे खड़े होते नजर आ रहे हैं। और इसी पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शैलेश फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। शैलेश, रिटायर्ड डीएसपी के बेटे और बहू पूरा का पूरा मास्टरमाइंड निकले, हनी ट्रैप में पैसे पहले फंसाया गया और फिर हत्या कर दी गई, और सबसे बड़ी बात जो अब वो ये खड़ी हो रही है कि हजारीबाग में एक डॉक्टर की हत्या और डकैती कांड में पहले भी और साथ ही साथ बड़े बलात्कार जैसे बड़े घिनौने घटनाओं में इनका नाम शामिल रह चुका है, तो कार्रवाई क्यों नहीं पहले की गई और अब इसका उद्भेदन जो है किया गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है फिलहाल आपके पास? जी, ये मामला चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र के धनगड्डा से जुड़ा हुआ है। धनगड्डा में दो युवकों का अपहरण कर और हनी ट्रैप करके की हत्या करके ये पूरा मामला को नया मोड़ ला दिया है। आपको बता दे कि धनगड्डा के ही एक युवक एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती के पिता द्वारा लड़का को इस प्रेम प्रसंग रास्ता से हटाने के लिए पूरा हत्याकांड का साजिश रचा गया था। लड़की के पिता द्वारा ये रिटायर्ड डीएसपी के बेटे से कांटेक्ट करके ये पूरा मास्टर माइंडर घटना को अंजाम देने के लिए सुपारी दिया था, जिसके बाद रिटायर्ड डीएसपी के बेटा और पुत्र दोनों हनी ट्रैप पुत्र द्वारा हनी ट्रैप किया गया और रिटायर्ड डीएसपी के बेटे द्वारा और अन्य सहयोगी के साथ हनी ट्रैप करके पहले हजारीबाग में फंसाया गया, उसके बाद रात के समय में कोडरमा घाटी में जा लेकर एक के हत्या करके आरे को अधेड़ करके छोड़ दिया गया, जिसके बाद टंडवा पुलिस ने चतरा एसपी विकास पांडे द्वारा पूरा मामले में नाटकीय ढंग से जाल बिछाकर सभी को गिरफ्तारी करने में सफलता मिली। टंडवा डीएसपी ऑफिस में ये हजारीबाग चतरा एसपी विकास पांडे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मामले का उद्भेदन किया है और कहा है कि रिटायर्ड डीएसपी के बेटा हजारीबाग के भी डॉक्टर और अपहरण और बलात्कार जैसे मामले में जेल जा चुका है और कई आरोप भी संगीन आरोप भी लगा है। इस हत्याकांड खुलासे के बाद क्षेत्र में पूरा दर्शक का माहौल है और लोगों ने अनेक चर्चाएं भी हो रही है। जी चलिए, लेकिन जिस तरह से एसपी विकास पांडे के द्वारा ये बात कही गई, लंबे अरसे से जो है जांच की जा रही थी, तो क्या कुछ पहले जब जिस तरह से इनका तमाम घटनाओं में इनका नाम है तो क्या तब कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, क्योंकि ये बड़ी लापरवाही थी पुलिस के द्वारा ऐसा कहा जाएगा, क्योंकि अब जो ये खुलासा हुआ है पूरा का पूरा जो मास्टरमाइंड जो है वो एक बड़े पैमाने पर रचा गया था इनके द्वारा। जी, जिस तरह से घटना के बाद उद्भेदन के बाद बात सामने आ रही है, पूर्व में भी डीएसपी रिटायर्ड डीएसपी के बेटा द्वारा कई संगीन आरोप और घटना को अंजाम देने के बाद जेल भी जाया है। जेल के बाद छूटने के बाद ये अपना गैंग तैयार करके सुफाड़ी लेके लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहा है, जिसके बाद ये पुलिस पूरे मामले में तहकीकात करके खुलासा करके जेल भेजा है रिटायर्ड डीएसपी बेटा को। जी चलिए, वो कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं, वही कहानी यहाँ भी देखने को मिली। तमाम अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश आपका, आपसे अपडेट लेते रहेंगे, खबरों पर बने रहेगा। बड़ी खबर दिखा रहे थे जहाँ आपको बता दे कि रिटायर्ड डीएसपी के बेटे और बहू का मास्टरमाइंड का खेल पुलिस ने उनका पर्दाफाश कर दिया।